तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि छात्र कल्याण निदेशक प्रोफेसर एमपी सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर प्रोफेसर एमपी सिंह ने कहा कि समाज में आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में उड़ान भर रही हैं। उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने और उन्हें भी पुरुषों के बराबर सम्मान प्राप्त करने के लिए नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। आधुनिक महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए कठिन से कठिन मेहनत कर रही हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा हैं। वे देश और विश्व के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। Naturally, this is the day when you are welcoming your juniors in education only, and you are celebrating the day. You are welcoming your juniors, and naturally the enjoying of the day, and especially in BA. Average age of the students was, what do you think? What was the average age at that time? I mean, 5-6 years back or 10 years back approximately? 30 crossed, almost. But in the last few years, we observed that two things happened. Basically, three things happened. One, the average age reduced from 30 to approximately 22-23. 19. Surprise with this one. One thing. Another change, in whole of the world, especially in India, the ratio of male and female is misbalanced. इस फ्रेशर पार्टी में गर्ल्स का ड्रेस कोड ब्लू और फ्रेशर बॉयज का ड्रेस कोड ब्लैक रखा गया। इस फ्रेशर पार्टी में विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत करके सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। अंत में प्राचार्य डॉक्टर रश्मि मेहरोत्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही अंत में फ्रेशर पार्टी में विक्टर मिस्टर तो सुरभि को मिस फ्रेशर चुना गया। इस मौके पर डॉक्टर देवना सेठ, डॉक्टर विनोद जैन, रत्नेश जैन, अशोक लखेड़ा, जयंत त्रिपाठी के अलावा सभी फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहे।